हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल डिफेंस मैनिया। सो फ्रेंड्स, आई नो कि वीडियो थोड़ी लेट है। मैंने आपको बताया था कि मैं किसी आप लोगों के लिए कुछ काम कर रहा था एंड हमने सुपर 30 प्लान किया है, वो बहुत सही है। तो आपको पता है कि एफकेट और CDS 119 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने CDS और एफकेट का रिजल्ट क्वालिफाई किया था, जिनके SSB डेट्स अभी आने वाले हैं और एफकेट के इनफैक्ट SSB स्टार्ट भी हो चुकी है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके एफकेट की जो SSB है वो होने वाली है और जिन्होंने CDS क्रैक करा है और उनकी भी SSB है वो भी होने वाली है। तो इस पूरे एक ही वीडियो में पूरे कंप्लीट प्रोसीजर को आपको ख़त्म करा दूंगा, एक एक चीज़। जिनको जो फ्रेशर है, जिनको को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, उनको यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड फ्रेंड्स, दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स। यहाँ पे आप मुझे defensemania@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो एंड ये मेरा इंस्टा हैंडल है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हमने एक ग्रुप क्रिएट कर रखा है, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हो, सेपरेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमने एक नई स्ट्रेटजी आपके AFCAT 219, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आपके AFCAT 219 एग्जाम को अभी टारगेट करने के लिए हमने बनाया, जो कि एक सुपर 30 बैच है। इसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप ये ज्वाइन करते हो, इसमें आपको जो भी होगा एक्सपर्ट पर्सनल गाइडेंस, जो एजुकेटर से आपको जबकि जो भी डाउट्स होंगे आप अपने पर्सनली डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। आपको जनवरी से लेके सितंबर तक के मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, वो करंट अफेयर्स या तो मेरे हैंडमेड होंगे या फिर आपको जो टॉप वेबसाइट से जिनकी आपको परचेस करनी पड़ती हैं वो मैं आपको परचेस करके अवेलेबल करा दूंगा। इतना अमाउंट में आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा कि अगर आप उसको रेगुलर पढ़ोगे तो सफिशियंट होगा। इसके अलावा मंथ के एंड में हम उस मंथ के करंट अफेयर्स का, मैं उस पर्टिकुलर बुक से कुछ करंट अफेयर्स को छांट के आपका एक टेस्ट भी लूँगा, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाए कि हाँ आपके जो करंट अफेयर्स वो अच्छे से कवर हुआ है कि नहीं। मैं पर्सनली गाइड करूँगा आपको, इनफैक्ट टोकूंगा, फोर्स भी करूँगा कि आप ये चीज़ें ढंग से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपने ये ख़त्म किया कि नहीं किया, एक टारगेट बेस्ड कोर्स के टाइप, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ सेल्फ नोट्स, जो मेरे खुद के प्रिपेयर्ड नोट्स है, लाइक हिस्ट्री के मैंने नोट्स बना रखे हैं या फिर इंग्लिश के। एंड एक बुक है जो हमने बना रखी है, प्रियंका मैम उसकी ऑथर हैं, वो बुक भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसमें आपको जो एक सिंपल सी चीज़ है और जो एग्जैक्टली आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जो मुझे मटेरियल चाहे वो किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट का हो, मुझे जो जेन्यून लगेगा मैं वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। इनफैक्ट आपको SSB के लिए गाइडेंस भी मिलेगा, 5 दिन तक आपका क्या क्या होता है सब कुछ पता चलेगा आपको। पर्सनल डाउट सेशन हम कनेक्ट करेंगे, आपको एक्सपर्ट्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मिलेगी एंड टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बता दिया। तो टोटल अप्रैल टू अगस्त तक हम काम करेंगे। स्टडी मटेरियल में आपको बता दिया कि मंथली करेंट अफेयर्स, इसके अलावा जो भी आपकी जो आप बुक्स वगैरह परचेस कर रहे हो गया करने का सोच रहे हो, जो कि बहुत कॉस्टली होती हैं, वो सारी बुक्स मैं आपको परचेस करके जो जेन्यून होंगी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, स्पेशली AFCAT एग्जाम के लिए। एंड सो फ्रेंड्स, अप्रैल टू अगस्त तक के लिए हमने एक फ़ी रखी हुई है। अप्रैल टू अगस्त तक जो बच्चे चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े सुपर 30 के बैच में, तो फर्स्ट 30 बच्चों के लिए, मैंने सबको कल मैसेज सेंड कर दिया था जो हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, उनको वो मैसेज मिल गया होगा, हमने एक चार्ज 350 रखा हुआ है एंड ये स्टार्टिंग प्राइस है, जो कि फर्स्ट 30 के लिए 350 मैं रखूँगा। और जैसे ही 30 पूरे होते हैं तो हो सकता है कि हम इस चार्ज को बढ़ाएं, लेकिन अगर जिन्हें लगता है कि 350 ज़्यादा है या फिर वह कम पे करेंगे या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो बेसिकली पैसा कमाना कोई वो नहीं है। आप मुझे जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको आपसे बात करके देखता हूँ आपके लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ में ये तो आपका सुपर 30 का आपको क्लियर हो गया, अब बात करते हैं रिपोर्टिंग पॉइंट को लेके। सो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे चल रही है कि आखिर रिपोर्टिंग पॉइंट में कि आपको सबसे पहले अपना जो कॉलअप लेटर है उसको केयरफुली पढ़ना है। केयरफुली पढ़ने का मतलब कि रिपोर्टिंग पॉइंट कहाँ दिया हुआ है, आइदर स्टेशन पे होगा या फिर बस स्टैंड पे बुलाया है आपको, रेलवे स्टेशन पे या फिर बस स्टैंड पे या फिर आपको डायरेक्टली सेंटर पे बुलाया है। लाइक अगर आप बनारस में आते हो तो आपको बनारस में प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे बुलाते हैं, डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पे। गांधीनगर में भी आजकल वो बस स्टैंड पे बुला रहे हैं गांधीनगर के, एंड अब देहरादून जाओगे देहरादून डायरेक्ट FSB बुला लेते हैं। तो आपको पहले अपना कॉल लेटर पढ़ना है कि वो कौन से बैच को कहाँ बुला रहे हैं, वो उन पर डिपेंड करता है और वो चेंज करते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा बनारस वाले आपको प्लेटफॉर्म पर ही बुलाएं, ठीक है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी इसमें मेंशन है, जो आपको जो भी आपको बनवाना है वो सब कुछ बनवा के रेडी रखना, और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी है कौन कौन से नहीं है, वहाँ पे एक आपको बकायदा चेकलिस्ट मिली हुई है, ओरिजिनल चेकलिस्ट मिली है आपके कॉलर पेटर के साथ, जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, कि कौन सा नेसेसरी है कौन सा नेसेसरी नहीं है। ट्रैवलिंग अलाउंस का सीन ये है फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो बच्चे फ्रेशर हैं, फ्रेशर इन द सेंस कि वो पहली बार SSB नहीं,
कोई जो एयरफोर्स के लिए भी पहली बार जा रहा हो उसके लिए भी अलाउड टीए उनको मिलेगा, भले वो आर्मी के दे चुका हो। अगर वो एफएसबी के लिए भी पहली बार जा रहा हो तो सिंपल सी बात ये है कि उस बंदे को, जैसे कि आप अगर जा रहे हो तो आप बस जाने की टिकट लेके जाओगे, तो आपके टिकट का, आपके आपको अपने जाने वाले टिकट का हार्ड कॉपी एक लेके जाना है, वो उसका 2 से मल्टीप्लाई करके आपको टू एंड फ्रो का दे देंगे। तो यहाँ से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे जिस दिन आप रिपोर्ट करोगे वहाँ पे, तो देखिए दो चीज़ें होती हैं सीडीएस और एफकेट का, मैं थोड़ा यहाँ पे डाउट दूर कर दूँ। या तो आपको रिपोर्टिंग करना होता है और उस दिन आपका डे वन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेस्ट नंबर अलॉट हो जाता है और नेक्स्ट डे से आपके जो सारे काम है वो शुरू होते हैं, ठीक है। और लेकिन एफएसबी में थोड़ा अलग सीन है, एफएसबी में आपका सेम डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेम डे चेस्ट नंबर एंड टू सेट्स ऑफ ओए, उसी दिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आइदर आपकी सेम डे स्क्रीनिंग होती है, रिपोर्टिंग वाले दिन ही स्क्रीनिंग हो जाती है, या फिर नेक्स्ट डे होती है, ये डिपेंड करता है कि आपके कॉल लेटर में क्या मेंशन है। तो एफकेट वालों का जो, एफकेट का 90% जो एसएसबी होता है वो फर्स्ट डे ही हो जाता है, तो मैं उनके लिए क्लियर कर दूँ। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी होगी उनको बाहर कर दिया जाएगा, फिर आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। टू सेट्स ऑफ ओएआर, आपके दो ओएआर के सेट होने वाले हैं, टेस्ट होंगे वहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल का। ओएआर को फ्रेंड्स ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्क्रीनिंग में। इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 90% देन कंसिडर योर सेल्फ स्क्रीनड इन, इफ यू हैव परफॉर्म एवरेज इन योर पीपीडीटी एंड जीडी। ओके, सो पीपीडीटी, व्हाट इज पीपी एंड डीडी फ्रेंड्स? तो पीपी एंड डीडी इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। यहाँ पे आपको एक पिक्चर से शो करी जाएगी, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन, राइट वॉट एवर कम्स टू योर माइंड फर्स्ट एंड डोंट थिंक अबाउट द ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन। आई एम रिपीटिंग दिस, डोंट थिंक अबाउट द ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन। अभी आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, आई मेंशन वन ऑफ माई फ्रेंड दैट हु गॉट रिकमेंडेड बट गॉट मेडिकली आउट, सो 2 डेज अर्लियर ही अगेन गॉट रिकमेंडेड, वो अगेन सेम एंट्रेंस रिकमेंड हुआ है, एंड उसका इंटरव्यू मैं आपके लिए जल्दी अवेलेबल करूंगा। सो ये लाइन उसी भाई की है कि डोंट थिंक अबाउट द ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डे वन में आपका जीडी में, तो देखिए स्क्रीनिंग के बाद आपको 12 से 15 बच्चों के ग्रुप में बैठ जाता है, यहाँ पे सेमी एस कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको सेमी सर्कल में बैठना होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, एंड 12 से 15 बच्चों का ग्रुप बन गया, सेमी सर्कल में बैठना हो गया। तीन असेसर्स आपके सामने बैठे होंगे, तीन या चार बंदे होंगे, जिनमें एक साइकोलॉजिस्ट, एक प्रेसिडेंट, एक जीटीओ, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो सकता है, ठीक है। और 1 मिनट मिलता है आपको नैरेट करने के लिए अपनी स्टोरी का, तो योर नैरेशन शुड बी क्रिस्प एंड वेरी क्लियर, बी कॉन्फिडेंट, नैरेट योर स्टोरी लाइक यू हैव ओनली वन चांस। सो 15 मिनट फॉर डिस्कशन, तो आप अपने नरेशन को एकदम परफेक्ट करो और डिस्कस करते हैं। डिस्कशन के बाद फ्रेंड्स आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, स्क्रीनिंग का रिजल्ट आ जाएगा, और अगर आप सीडीएस एंट्री से गए हो तो आपका रिजल्ट आने के बाद आपके जो नेसेसरी वाले फॉर्म होंगे, डॉक्यूमेंटेशन पी आई के फॉर्म भरने के बाद आपको वो भेज देंगे। अब आपका जो साइकोलॉजी टेस्ट होगा वो डे टू से होगा, लेकिन अगर आप एफकेट के थ्रू जा रहे हैं तो आपका जो साइकोलॉजी टेस्ट होगा वो सेम डे होगा, तो आपको रेस्ट करना है 5 बजे तक। वो बोलेंगे कि अपना पी आई क्यू फॉर्म भर के आप चले जाओ, 5-6 बजे तक आप सोओगे, फिर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आपका साइकोलॉजी टेस्ट रात में होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि साइकोलॉजी टेस्ट में आपके क्या क्या होने वाला होता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर 12 टैट स्टोरीज, दैट इज थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, एंड आपको प्रिपेयर करना है 12 टैट स्टोरीज के लिए खुद को। 4 मिनट आपके मिलते हैं आपको स्टोरी लिखने के लिए, 60 वैट, 15 सेकेंड्स ईच, आपको 60 वैट मिलते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, 60 SRT फॉर 30 मिनट्स, एंड वैट जो होता है वो बहुत ही हार्ड टास्क बन जाता है आप कह सकते हो, क्योंकि 15 सेकेंड में एक वर्ड लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एक वर्ड पे एक सेंटेंस लिखना। उसके बाद फ्रेंड्स फोर्थ है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, इन विच यू हैव टू मेंशन अबाउट द ओपिनियन ऑफ योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर एंड सेल्फ ओपिनियन। इफ़ यू आर वर्किंग दे विल आस्क यू फॉर योर, इन स्पाइट ऑफ फ्रेंड्स दे विल आस्क यू अबाउट योर कलीग्स, एंड इन द प्लेस ऑफ टीचर्स दे विल आस्क यू अबाउट योर बॉस ओपिनियन, ठीक है। एंड पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम इज द लास्ट वन। सो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में फर्स्ट इज पेरेंट्स ओपिनियन, फ्रेंड्स और कलीग्स ओपिनियन, टीचर और बॉस ओपिनियन, सेल्फ ओपिनियन एंड पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम। यू हैव टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन सेम टू सेम इन सेम सिक्वेंस एज वेल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, नाउ इट्स टाइम टू योर जीटीओ टास्क, अ फ्रेश एंड एनर्जेटिक मॉर्निंग इज वेटिंग फॉर यू। सो फर्स्ट डे आपको फर्स्ट पॉइंट है, 2 जीडी मिलेंगे आपको स्टार्टिंग में ही, 15 मिनट्स फॉर ईच। फर्स्ट जीडी जो होगा वो आपको चूज करना होगा, जो जीटीओ होंगे ग्राउंड टास्क ऑफिसर वो आपको 2 ऑप्शंस देंगे, उनमें से आपको एक चूज करना है, उस पर आप डिस्कस करोगे। लेकिन जो सेकेंड ग्रुप डिस्कशन होगा उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो आपको जीटीओ देगा उस पर आपको डिस्कस करना होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टास्क, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क, एंड
द नेम इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स, इन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज ट्राई टू रिमाइंड ऑल द थिंग्स। वहाँ पे ध्यान रखना कि कौन से टाइम पे कौन सा इंसिडेंट हो रहा है, क्योंकि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको वहाँ पे तीन चार प्रॉब्लम दी जाएंगी कि 10 बजे बॉम्ब फूटने वाला है, 12 बजे यहाँ पर रॉबरी होने वाली है, 1 बजे इनका मर्डर होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को आपको माइंड में बिल्कुल रखना है। ट्राई टू रिमाइंड एज मच एज पॉसिबल, मेक योर ओन इंडिविजुअल प्लान। आप इंडिविजुअली क्या क्या करोगे वहाँ पे, मतलब अपना एक प्लान पहले रेडी करो। एंड ट्राई टू कन्विंस ऑल द ग्रुप मेंबर्स फॉर योर प्लान। मतलब अगर आपको अपना प्लान सही लगता है और ग्रुप में कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ उन्हें कन्विंस करो कि परफेक्ट रीजंस देके कि हाँ मेरा प्लान क्यों अच्छा है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सामने वाले बंदे का प्लान आपसे ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसको सपोर्ट करो। टेक पार्ट, प्लीज़ डू टेक पार्ट इन द डिस्कशन। आप डिस्कशन में टेक पार्ट जरूर लो। कुछ बच्चे बहुत वहाँ पे दिक्कसो जेंटलमैन बनने लगते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे तो चाहो से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछली बजा रहे हैं, हम पार्ट नहीं देंगे एंड वी विल गेट रिकमेंडेड। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको दिखना ये होता है कि कौन बंदा कितना एफर्ट लगा रहा है एटलीस्ट फॉर इज सेलेक्शन। चिल्लाने का मतलब ये नहीं कि अब मैंने ये कह दिया इसका मतलब आप एफर्ट लगाने के आप चिल्लाने लगो वहाँ खड़े हो चेयर पर, मतलब आप कितना एफर्ट लगा रहे हो। एंड आई अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ फास्ट ही बोल रहा हूँ, लेकिन बट सॉरी फॉर दैट। अभी मैं थोड़ा स्लो कर लेता हूँ अपनी स्पीड को, ये मेरी प्रॉब्लम है। मेरे लेक्चर रेट का मैटर 3 मिनट का मैटर 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है हमेशा। सो स्पीक एटलीस्ट 2 to 3 times एंड दैट विल बी वेरी इन अ पॉजिटिव मैनर फॉर यू। एंड अगेन द नेक्स्ट टास्क इज PGT। एंड फ्रेंड्स, वॉट इज PGT? सो PGT इज ए प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इट हैज़ 4 stages। इन PGT, लिसन टू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। लिसन टू द इंस्ट्रक्शन मीन्स इंस्ट्रक्शन कंटेंट्स रूल्स ऑल्सो। लिसन टू द रूल्स एंड रेगुलेशन केयरफुली। और ऐसा सुनना कि फिर दोस्त से ये ना पूछना पड़े ओ ये GTO में ब्लू वाला को क्या करना है, ये ग्रीन वाले को टच करना है नहीं करना है, रेड को क्या करना है। तो ये नहीं मत, ये मत करना। हेल्प ईच अदर, अब एक दूसरे की मदद करना। वर्क इन ए ग्रुप, वर्क इन ए ग्रुप एंड गिव योर आइडियाज़। एक ग्रुप में आपको काम करना है, आइडियाज़ देने हैं। और अगर आपको नहीं आता है, कोई और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको करने दो। ये नहीं कि आप खुद तो कर नहीं रहे, उसे करने भी ना दो। कमिंग टू द लेक्चरेट पार्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो कन्फ्यूजन बच्चों में, सर FSB में लेक्चरेट होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है। SSB में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ लेक्चरेट होता है। 4 टॉपिक दिए जाते हैं, चूज वन अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एंड कम्फर्ट। 3 मिनट्स टू प्रिपेयर एंड 3 मिनट्स फॉर लेक्चरेट। ये होता है आपका लेक्चरेट का सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्नेक रेस। सो फ्रेंड्स, ये सबसे फनी रेस है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें आपको एक जो आर्टिफिशियल स्नेक आपके ग्रुप मेंबर्स को पकड़ा दिया जाता है और सारे ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना होता है, लगभग 10 होते हैं, और उस सारे ऑब्स्टेकल को स्नेक को भी क्रॉस करना होता है आपके साथ साथ। तो फन एक्टिविटी, हेल्प योर ग्रुप मेंबर्स, अपने ग्रुप मेंबर की हेल्प करो। बिकॉज वहाँ पे 6 से 8 फुट की वॉल होती है जो कि चढ़नी पड़ती है, तो हर लोग नहीं चढ़ पाते हैं। जो मोटे हैं या फिर चढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी हेल्प करो। कीप योर एंड योर ग्रुप जोश हाई। आपको वहाँ पे एक वॉर क्राई, लाइक हमारा वॉर क्राई हर हर महादेव हर हर गंगे ऐसे करके होता है, तो आपको मतलब ये ध्यान रखना है कि आपका वॉर क्राई जो हो वो एकदम जोशीला हो, ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्म ऑल द टास्क केयरफुली। टास्क करने का मतलब कि फन एक्टिविटी है, दैट डजंट मीन कि आप केयरफुल ना हो। आप मतलब कैजुअल एटीट्यूड से वो काम करो, बिल्कुल केयरफुली करो, रूल्स को ब्रेक मत करो, अदरवाइज वो लास्ट में आपसे पूछेंगे एंड आपके ग्रुप के टाइम जो होगा वो बेकार जाएगा। नेक्स्ट वन इज हाफ ग्रुप टास्क। एंड फ्रेंड्स, हाफ ग्रुप टास्क में आपको सेम काम करना है, बस जो ग्रुप होगा वो आधा हो जाएगा। इट्स लाइक अ वन स्टेज ऑफ PGT। बस आपके ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाएगा आइदर ऑड नंबर में या फिर इवन नंबर में। फिर यहाँ भी आपको वही काम करना है, लिसन टू केयरफुली इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। हेल्प ईच अदर, वर्क इन ए ग्रुप, गिव योर आइडियाज एंड सेकेंड चांस टू परफॉर्म। सेकेंड चांस टू परफॉर्म, यहाँ मैंने इसलिए ये लिखा, क्यों लिखा है, क्योंकि दोज हु थिंक दैट दे डिडंट परफॉर्म वेल इन देयर PGT, सो दे हैव ए न्यू चांस टू शो देम देयर क्वालिटीज इन सॉरी देयर इज अ सेकेंड चांस फॉर टू शो देम देयर क्वालिटीज इन हाफ ग्रुप टास्क। ओके, कमिंग टू द इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, वेरी एनर्जेटिक टास्क। 10 ऑब्स्टेकल रिक्वायर्ड गुड स्टेमिना एंड 10 ऑब्स्टेकल इन 3 मिनट्स। अटेम्प्ट फर्स्ट यू आर कॉन्फिडेंट विथ, पहले उसको अटेम्प्ट करो जिसमें बहुत कॉन्फिडेंट हो। रोप क्लाइंबिंग, स्क्रीन जंप एंड अदर्स, ये जो सबसे टॉप वाले होते हैं, लाइक रोप क्लाइंबिंग हो गए, स्क्रीन जंप हो गया। स्क्रीन जंप FSB का काफ़ी ऊंचा होता है, सो स्केप करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि सदी गर्ल्स के लिए अप्लाई भी नहीं होता। सो कमांड टास्क, नाउ यू आर मेड अ कमांडर, आपको एक कमांडर बनाया जाता है। लिसन अबाउट द टास्क केयरफुली, एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर टास्क एंड आस्क फॉर टू लीडर्स।
जब आप टास्क को एनालाइज करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे दो इंटरव्यूअर को दो सॉरी दो बंचों बंदों की या तीन बंदों की जरूरत है, तो एटलीस्ट आप उनको बुला लो और अपने टास्क को कंप्लीट करवाओ। वहाँ पे आप कमांडर हो तो बेसिकली जो छोटी मोटी हेल्प हो उनसे लेते रहो और आइडियाज़ खुद के देते रहो, उनसे पूछना आपको नहीं है। एंड लास्ट वन इज फ्रेंड्स, लास्ट टास्क ऑफ द सीरीज इज फाइनल ग्रुप टास्क, ऑल्सो लास्ट चांस टू परफॉर्म, इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। लिसन टू इंस्ट्रक्शन केयरफुली, हेल्प ईच अदर, वर्क इन ग्रुप, गिव योर आइडिया एंड इट्स योर लास्ट चांस टू शो योर क्वालिटीज। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या होता है, अरेंज योर फाइल बिफोर इंटरव्यू। CDS में जा रहे हो तो फाइल की कोई जरूरत नहीं है, AFSB AFCAT के थ्रू जा रहे हो तो आपको अपने फाइल की जरूरत है। अपने फाइल को बिल्कुल अच्छी तरह से सजा लो एंड रिमूव अनवांटेड थिंग्स। मेरी तरह नहीं कि मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे आप बताने वाला कोई नहीं था कि वहाँ फाइल मांगते हैं, एंड दे आस्क फॉर माई फाइल, मैंने फाइल दे दिया और मैं जब अंदर गया तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर मेरे फाइल से कुछ चॉकलेट के रैपर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, गुलाब का फूल, ये सब निकाल कर बैठा हुआ था। एंड फिर मेरे जो सारे क्वेश्चंस हैं वहीं से शुरू हुए कि बेटा आपको ये फूल किसने दिया है, बेटा ये चॉकलेट्स का रैपर क्यों है। तो ये सारी चीज़ें मत करना, आप ये सब हटा के जाना अगर आपके पास भी है और आपने अपने फाइल में रखी हुई हो तो। सो नॉट इन केस ऑफ ऑल ऑफ यू, सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द क्वेश्चन फ्रॉम PIQ। अपने आप को अपने PIQ के क्वेश्चन के लिए कंप्लीट तरीके से तैयार रखो। ड्रेस कोड आपका फॉर्मल होगा, बी कॉन्फिडेंट, आपके चेहरे पे ये चीज़ दिखनी चाहिए। ओके एंड लास्ट वन इज कॉन्फिडेंस, सो फ्रेंड्स फॉर द कॉन्फिडेंस ओनली वन सजेशन, बेस्ट ऑफ लक। और जो भी इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, कंप्लीट प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन करा है, एक ही चीज़ बता दी, अब किस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है ये बताऊंगा। एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट, अगर आपको सुपर 30 में आना है तो प्लीज़ टाइम कम है, ये वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको एक सुपर 30 बैच का वो मिल जाए। एंड फी भी आई थिंक कि आप अगर एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आपके लिए बहुत कम है। इट्स लाइक मतलब अगर आप ये देखो तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अब ऑलमोस्ट आपके 6 महीने होते हैं, 6 महीने के 350 रुपीज़, अगर आप डिवाइड भी करोगे तो कुछ नहीं है, अप्रोक्स 60 रुपीज़ से भी कम A1 month का आ रहा है। तो आप ये ले सकते हो सब्सक्रिप्शन, एंड थैंक यू। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ से ऐड कर लूँगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड प्लीज़ सपोर्ट टू डिफेंस मैनिया एंड सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर वो सुपर 30 बैच में आना चाहता है तो और अच्छा है, मैं उनको भी पर्सनली गाइड करूँगा हर एक बंदे को। सो थैंक यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर SSB एंड FSB। थैंक यू।